हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज़ द डे 7 अलगा 3 ऑफ यूनिट 4. ओके सो एवरीवन प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लेट्स रिकैप बिगनिंग साउंड, मिडिल साउंड एंड द एंड साउंड. ओके चिल्ड्रन चिल्ड्रन सी आई हैव रिटन सम वर्ड्स हेयर. लेट्स रीड विच इज़ द बिगनिंग साउंड ऑफ दिस वर्ड ट. वॉट इज़ द बिगनिंग साउंड ट. वॉट इज़ द मिडिल साउंड अ. What is the middle sound? O. And what is the end sound? P. T O P. T O P. Top. What did become? Top. Okay, children. Children, you need to use now. You need to use now shoulder to hand strategy, right? I'll revise. You have to follow me, right, children? K O T, K O T, cot, cot. M A D, M A D, mud, mud. Okay, children. J A G, jug, jug. G A N, G A N, gun, gun. N a t, nut, nut. And the last is r a b, r a b, rub, rub. Okay, children. Now, children, please by shoulder to hand strategy read all these words. Right, children. Now, children, you need to open WS9, okay, in your workbook. Let's see the question 2, word families. Identify the missing sound and write it in the blank space. Just a minute. It means, children, आपको missing sounds हैं कुछ यहाँ पर. आपको उनको complete करना है, ठीक है? और blank space पर missing sounds को लिखकर उनको complete करने हैं, okay? You need to identify. Children, you all know that we have read many words from unit 1. Itne sare words humne read kare hain. Then now you have to think which sound will come here, right? And like the first is, look at the A. What can become here with P? O. Very good. O P. O P. Mop. Mop. Then I'll write O here. Okay, children. Now, children, I'll do only one. You have to do all the remaining by yourself. ये बचे हुए आपको खुद से करने हैं. Okay, children. Now, please open WS10. Okay, children. Here we will do the question 1. Match words with pictures. Children, we have some words here and we have the pictures also. Now, you need to match these words to these pictures, right? तो ये भी आपको खुद से करने हैं. आपको ही अच्छे से पता है हाउ यू विल डू, राइट? दिस इज़ द वर्क फॉर यू चिल्ड्रन. नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ होल वर्ड्स. ओके सो दिस इज़ द फ्लैश कार्ड. आई एम शोइंग फ्लैश कार्ड एंड ऑल्सो आई विल स्पीक दिस वर्ड. यू हैव टू फॉलो मी, राइट? यू हैव टू ऑल्सो स्पीक विद मी. ओके चिल्ड्रन, वॉट इज़ दिस? अंडर. वॉट इज़ दिस? अंडर. वॉट इज़ दिस? अंडर. Okay, children, now I'm showing you next. Say this. Without. 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 Now the next is. Just a minute. The next is different. What is the next? Different. Okay, and the last is anywhere. Anywhere. What is this? Anywhere. So children, today we have learned 4 new whole words, right? Without. First is without, second is under, and the third is anywhere, and the last is different. Children, please try to make sentences on these words in your notebook. इन वर्ड्स का सेंटेंसेस में यूज़ करने
करिए, कोशिश करिए, सेंटेंसेस बनाइए. ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाउ प्लीज ओपन SR9 एंड रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी, स्कूल्स इन इंडिया. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी? स्कूल्स इन इंडिया. ओके चिल्ड्रन, ऑथर साक्षी भाटिया, इलस्ट्रेशन कर्क डी पिन्हा. ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लेट्स रीड फ्रॉम हेयर. दिस इज द पेज वन ऑफ द स्टोरी. ओके, यू कैन सी द वन इज हेयर, राइट? सी, वी सॉ मैनी पिक्चर्स टूडे. वी सॉ डिफरेंट स्कूल्स. ओके, इसका मतलब है कि हमने आज बहुत सारी पिक्चर्स देखी और बहुत सारे स्कूल्स देखी. वी सॉ डिफरेंट स्कूल्स. ओके, नाउ सी, वी सॉ अ स्कूल ऑन अ ट्रेन प्लेटफॉर्म. हमने ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक स्कूल देखा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज द पेज 3 ऑफ दिस स्टोरी. वी सॉ चिल्ड्रन डांसिंग एंड सिंगिंग देयर. हमने देखा कि वहाँ पर बच्चे गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं. ओके, नाउ दिस इज द पेज 4 ऑफ द स्टोरी. सी, वी सॉ अ फ्लोटिंग स्कूल. फ्लोटिंग मीन्स जैसे पानी में फ्लोट करता है ना, तो हमने एक फ्लोटिंग स्कूल देखा. ओके, नाउ सी, वी सॉ, दिस इज द पेज 5 ऑफ द स्टोरी. वी सॉ चिल्ड्रन गोइंग देयर इन बोट्स. देयर इन बोट्स, हमने देखा कि बच्चे बोट्स के जरिए जा रही है, वहाँ जा रहे हैं. ठीक है, नाउ सी, वी सॉ अ स्कूल अंडर अ ब्रिज. हमने ब्रिज के नीचे एक स्कूल देखा. चिल्ड्रन वर लर्निंग फ्रॉम द वॉल्स, और बच्चे वहाँ पर दीवार से पढ़ रहे थे. मीन्स उनकी टीचर दीवार से उनको पढ़ा रही थी, उस पर लिख कर. ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज द पेज 6 ऑफ दिस स्टोरी. नाउ कम ऑन प्लीज, पेज 7. वी सो सो मैनी स्कूल्स. हमने बहुत सारे स्कूल्स देखे. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द स्टोरी. वी सो दैट वी कैन स्टडी एनी वेयर इन अ क्लासरूम और आउटसाइड टू. बच्चों, इस इन लाइन्स टू लाइन्स का मतलब है, इसका मतलब है कि हम कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्लासरूम में भी. क्लासरूम में तो नॉर्मली करते ही हैं, और आउटसाइड बाहर भी कर सकते हैं पढ़ाई. ठीक है, स्टडी मीन्स. चिल्ड्रन सी, दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी. लेट्स रीड. सिंगिंग, व्हाट इज दिस? सिंगिंग, वेरी गुड. नाउ सी द नेक्स्ट, बोट, व्हाट इज दिस? बोट. आउटसाइड, आउटसाइड, व्हाट इज दिस? आउटसाइड. ओके चिल्ड्रन, क्लासरूम, क्लासरूम. नाउ दिस इज, व्हाट इज दिस? चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस? चिल्ड्रन. एंड द लास्ट इज ब्रिज, व्हाट इज द लास्ट? ब्रिज. लेट्स रीड ऑल क्विकली. सिंगिंग, बोट, आउटसाइड, क्लासरूम, चिल्ड्रन, ब्रिज. ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाउ प्लीज ओपन WS 10. ओके चिल्ड्रन, सी, दिस इज द WS 10 ऑफ योर वर्कबुक, राइट? नाउ वोकैबुलरी वर्ड. सी द क्वेश्चन, सर्किल द पिक्चर दैट मैचेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. वो आपको कह रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ दो वर्ड्स दिए हैं और उनमें दो सेंटेंस दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें कुछ दो जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है उनको सही पिक्चर से मैच करना है. अब देखिए, लेट्स रीड द सेंटेंस. वी सॉ चिल्ड्रन डांसिंग एंड सिंगिंग देयर. अंडरलाइन क्या है? सिंगिंग. सिंगिंग मीन्स गाना गाना, या गाना गा रहे हैं. ठीक है, देन हु सिंगिंग? ही इज प्लेइंग विद बॉल एंड शी इज सिंगिंग. देन यू नीड टू सर्किल इट, राइट? देन यू हैव टू सर्किल इट. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस विल डू बाय योर सेल्फ. द सर्किल्ड वर्ड इज बोट. नाउ मैच which is the correct picture. This is the correct picture. Please circle it in your own book. Okay children, now children please open WS 11. Okay, vocabulary words. Circle the picture that matches the meaning of the underlined word. Same thing you need to do here that we have done on WS 10, right? यहाँ पर भी आपको यही करना है, जो word underline किया है उससे matching picture को आपको circle करने. Okay, now you can see the sentences.
वी सो आ स्कूल अंडर द ब्रिज, इसका मतलब कि हमने एक स्कूल देखा था जो ब्रिज के नीचे था। अब आप देखोगे कि ब्रिज कहाँ बना है, मतलब आप देखोगे कौन सी करेक्ट पिक्चर है। यहाँ पर क्लासरूम अंडरलाइन है तो आप देखोगे विच इज़ द करेक्ट पिक्चर, देन यू हैव टू सर्किल दैट पिक्चर। ओके चिल्ड्रन, यू नीड टू डू इट बाई योर सेल्फ। ओके, ये आपको खुद से करना है। नाउ चिल्ड्रन, ऑन ऑनलाइन लीड एप यू कैन सी द CRL क्लास रिसोर्सेज लाइव, देयर यू विल सी अ स्टोरी, राइट। ओके चिल्ड्रन, प्लीज़ मस्ट वॉच दैट केयरफुली। चिल्ड्रन अगेन आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ ओपन SR9 बिकॉज नाउ आई लैक सम क्वेश्चंस। मैम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी, राइट। फ्रॉम पेज 1 ओनली फॉर दिस पेज आई लास्क अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वट डिड दे सी इन द पिक्चर। दे सॉ डिफरेंट स्कूल्स, राइट, और मैनी स्कूल्स वी कैन सी। अब देखिए नाउ सी फॉर दिस थिंग, हाउ आर द स्टूडेंट्स स्टडिंग एट द ट्रेन प्लेटफॉर्म। वी कैन सी वी द चिल्ड्रन वर डांसिंग एंड सिंगिंग, राइट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लीज you can also ask, your parents can also ask these type of questions by you, right, to you, है ना children? तो आप अपने parents को कहना मम्मा आप पहले इस story को अच्छे से पढ़ो, फिर आप you can use the local language also, आप हिंदी भी use कर सकते हो but not for every time, right? और इसमें questioning करिए, आप अपनी मैम मम्मा को कहिए कि वो आपसे question पूछे, ठीक है। Now see children, this is the grammar time now, see. Write adverbs and action words on the board. See children, these are the action words that we do. Adverbs that describe the action, how the action is being done, right? Action words kya hote hai? Work, eat, cry, dance. Adverbs easily, happily, sadly, slowly. Sorry, happily again, okay? Children, see one thing that there is a action word work. एंड एडवर्ब है हमारा ईजली। तो आप क्या करिए, आप काम आपको इन एक्शन को करना है, आप अपने पेरेंट्स को इन एक्शन को करके दिखाना, और एडवर्ब्स को भी आप उसमें दिखाओगे कि आप काम ईजली कर रहे हो, ईट कर रहे हो, आपकी मम्मा ने आपको कुछ खाने के लिए दिया तो उसको आप हैप्पीली खा रहे हो। हैप्पीली मीन्स खुशी से, बिना रोए, है ना, बिना परेशान किए मम्मा को। और लेकिन जब हम क्राय होते हैं तो दुखी होते हो ना, तभी तो आप रोते हो। तो ये सारे एक्शंस आप करना अपने पेरेंट्स को घर पर करके दिखाना, ठीक है बच्चों। Children, now please open WS12. See what you have to do. The question is fill in the blanks with the correct word from the box. Aapko three words you have and you have three sentences. Then you need to see here which word will come, right? Do it by yourself. Ye aapko khud se karna hai, okay children? Now children, reading and speaking expression, writing and speaking expression. In the last video, I have given you this topic to draw something on this, right? Things to in the school, आपको मैम ने ये टॉपिक दिया था ना, आई होप यू ऑल हैव ड्रॉन। नाउ सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर चिल्ड्रन, एवरी वन प्लीज नोट डाउन दिस स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक, ओके क्विकली चिल्ड्रन। हेयर यू कैन सी द आंसर्स ऑफ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर। सी, दिस इज माई डेस्क, आई राइट क्विकली, आई वॉक स्लोली, आई डू नॉट स्पीक फास्ट। Everyone please complete these sentences and read it at your home at least 2-3 times, right? And please, if you have not drawn till now, then please draw the picture that I have given yesterday, things I do in the school. This was the topic, right? And note down these sentences in your notebook below the picture, right? And children, please note down this these sentences below the picture, right? And please complete all the work of today's, right? All the worksheets you have to complete. This is your homework.